नमस्कार, लाइव न्यूज पिलानी चैनल में आपका स्वागत है। पिलानी की सिया चौधरी का राष्ट्रीय स्तर पर चयन, पहली महिला विजेता शूटर बनी सिया चौधरी, अब अंतर्राष्ट्रीय खेलों के महाकुंभ में सिया लगाएगी निशाना। विद्याश्रम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा महज 12 साल की सिया चौधरी पुत्र श्री राजेश टांडी पिलानी की रहने वाली है। सिया ने 10 मीटर निशानेबाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर शानदार प्रदर्शन से सभी को हैरान किया है। हाल ही में इसार हरियाणा में आयोजित ऑल इंडिया बेस्ट एथेनिक प्रतियोगिता में यह कारनामा कर सिया पिलानी की पहली महिला विजेता शूटर बन गई है। विद्याश्रम पब्लिक स्कूल डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार कादयान ने छात्रा सिया को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। आपको बता दें, युवा निशानेबाज सिया चौधरी थार निशानेबाजी खेल अकादमी पिलानी में अभ्यास करती थी। सिया ने थार अकादमी में स्टिक निशाना लगाकर अपनी श्रेष्ठता दिखाई। इसके बाद सिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहाँ तक कि कोरोना के प्रभाव समय में भी सोशल डिस्टेंस व नियमों की पालना करते हुए सिया निशाने पे निशाना लगाती रही। सिया चौधरी के पिता अध्यापक हैं। उनके पिता ने बताया कि उसके दादाजी की बहुत इच्छा थी कि सिया बेटी शूटर बने। आखिर सिया ने अपने प्रथम ही प्रयास में दादाजी का सपना साकार किया है। अंतर्राष्ट्रीय कोच धर्मेंद्र डूडी ने बताया कि यहाँ अकादमी में और भी बेटियाँ हैं जो दिन प्रतिदिन काफ़ी कड़ी मेहनत कर रही हैं। आगामी समय में आने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के महाकुंभ में भाग लेंगे, जिसमें हर हाल में जीतने का जज्बा और हार न मानने की जिद है। यही ताकत है हमारी बेटियों की। इसी के दम पर शेखावाटी की बेटियां आज किसी से कम नहीं हैं। लड़कों से ज़्यादा मेडल ला रही बेटियां खेल में अपने हुनर को आजमा रही हैं। युवा निशानेबाज सिया को जमकर बधाइयां मिल रही हैं। बधाई देने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए सिया ने कहा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जी डी कसवां, लाइव न्यूज़, पिलानी।